बड़ी खबर मिल रही है, मध्य प्रदेश के दमोह में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया गया। ये एक्शन दमोह में कसाई मंडी पर की गई है, जहां कई इमारतों को बुलडोजर से तोड़ा गया है। बताया गया कि प्रशासन को कई दिनों से मंडी में गौकशी की शिकायतें मिल रही थी, जिसका विरोध कई हिंदूवादी संगठनों ने किया था। पिछले हफ्ते पुलिस ने कसाई मंडी से करीब 4200 किलो से ज्यादा जानवरों की हड्डियां भी बरामद की थी। तो मध्य प्रदेश के दमोह से आप ये तस्वीरें देखिए, जहां पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। कसाई मंडी में प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया, अवैध निर्माणों को यहां पर तोड़ा गया है, क्योंकि पुलिस को लगातार इस इलाके से गौकशी की शिकायतें मिल रही थी। और बीते दिनों आपको बता दें कि इसी इलाके से करीब 4200 किलो से ज्यादा जानवरों की हड्डियां भी बरामद की गई थी, और ऐसे में ये एक्शन वहां लिया गया प्रशासन की तरफ से, जब अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। इधर राम मंदिर ट्रस्ट ने राम मंदिर की नई तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों में राम मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य को दिखाया गया है, साथ ही मंदिर के अंदर रोशनी और मंदिर में लगाए गए सोने के द्वार भी दिखाए गए हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उससे पहले राम मंदिर का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। मंदिर निर्माण में जुटे कारीगर दिन रात काम में लगे हुए हैं, और जैसे जैसे काम आगे बढ़ रहा है, उसकी तस्वीरें भी ट्रस्ट की तरफ से जारी की जा रही हैं। अब बहुत कम दिन शेष रह गए, आज सोमवार का दिन है, अगले सोमवार यानी कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, और ऐसे में तेजी के साथ निर्माण कार्य को पूरा किया जा रहा है। जितने भी कारीगर इस काम में जुटे हुए हैं, दिन रात एक करके मंदिर को बनाने का काम कर रहे हैं। प्रथम तल तक का निर्माण पूरा हो चुका है, बाकी दो तल का काम अभी तेजी से चल रहा है, और जैसे जैसे कार्य में प्रगति देखी जा रही है, उसकी तस्वीरें भी लगातार ट्रस्ट की तरफ से साझा की जा रही है। राम भक्तों को दर्शन दिए जा रहे हैं, रामलला अब विराजमान होंगे, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी उनकी, और अयोध्या नगरी इसके लिए पूरी तरीके से सज चुकी है। एक एक करके इसकी तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। और इसी बीच श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा की दृष्टि से जो भी आवश्यक तैयारी है वो तेजी से चल रही है। एक ओर भव्य मंदिर लगभग खड़ा हो चुका है, दूसरी ओर अयोध्या नगरी भी सज रही है। 17 जनवरी के दिन भगवान रामलला अपने मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो अपडेट सामने आ रहे हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत तो पहले से ही हो जाएगी, 22 तारीख को तो प्राण प्रतिष्ठा है, लेकिन उसके पहले से ही यहां पर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। रामलला नगर का भ्रमण भी करेंगे, और इसके लिए अयोध्या नगरी को तैयार किया गया है। 17 को आरंभ हो जाएगा, 17 के दिन भगवान रामलला अपने मंदिर में प्रवेश करेंगे, 18 के मुहूर्त पर वे स्वयं गर्भगृह में प्रवेश करेंगे, उनके अनेक प्रकार के संस्कार चलते रहेंगे, और इधर यज्ञ मंडप में भी अनेक प्रकार का हवन चलेगा, पूजन चलेगा, अर्चन चलेगा, मंत्रोच्चारण चलेगा, जप चलेंगे, ये सारा काम जिस प्रकार का होना है होता रहेगा। और भगवान की उस दिव्य प्रतिमा के लिए जलाधिवास, धान्याधिवास, पुष्पाधिवास, फलाधिवास, शय्याधिवास, ये सब अधिवासन भी होंगे, और इस प्रकार से वह प्रतिमा सिद्ध की जाएगी भगवदीय तेज को धारण करने के लिए।